अगर गमछा का बजाय दूसरा कहीं काट लेता तो क्या होता। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज ऐसे ही एक घटना, रसल वाइपर इंडिया का मोस्ट भयानक, जिसको अजगर समझने से एक लड़का उसको खिलवाड़ कर रहा था, उंगली कर रहा था, उसके चक्कर में सांप उसे किस तरह बाइट करने का कोशिश किया, अब देख लीजिए। दोस्तों आप देख रहे थे, इससे पहले भी ऐसी एक घटना करीमनगर, आपको तेलंगाना का एक घटना है, एक सांप ईस्टर हुक्नोस का सांप है, जो बार बार हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, हो सकता है उसका एक्टिविटी है, वो अपना मुंह बार बार खोल रहा था, उसको मिक्सिंग करके उसमें आवाज डाल दिया, जैसे कि लग रहा था ये सांप बोल रहा है। तो ये बारे होने का कारण जो है, ये जब इसके बारे में पूरी तरह तहकीकत किया गया तो पता चला ये करीमनगर का एक लड़का है, और जिसे सख्त वाइल्ड लाइफ 1972 एक्ट में किसी भी जानवर का साथ इस तरह वायरल वीडियो बनाना ये कानूनी जुर्म है, इसके कारण इस लड़के को जेल हो गया। రెండు మూడు రోజులుగా ఈ వింత పాము వీడియో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైరల్ అయింది. ఈ పాము విలిచాలలో సంచరిస్తోందని, అది మాట్లాడుతోందని ఈ యువకుడు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో అధికారులు పోలీసులు అంత అలర్ట్ అయ్యారు. దాని కథేంటో నిగ్గు తేల్చేందుకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. చివరికి ఇది ఫేక్ అని తేల్చారు. గ్రూప్లో పెట్టిన తర్వాత అందరూ వాటి వీడియోను నిజమని అనుకొని వదంతులు భయాందోళనకు గురైనారు. కాబట్టి తో దోస్తు దేఖ్ లియే కి సాంప్ కో సిర్ఫ్ ఉస్కా ఆవాజ్ నకల్ కర్కే వీడియో డాల్నే మే ఉస్కా సాథ్ యే కార్వాయి హో చుకా హై, ఔర్ యే అభీ ఫిలాల్ జో హై వైల్డ్ లైఫ్ కా నిగరానీ మే హై. తో దోస్తు ఆప్ సభీ కో అనురోధ హై కి కోయీ భీ సాంప్ కా సాథ్ ఇస్ తరహ ఖిల్వాడ్ నా కరే. ఔర్ యే జో లడకా దేఖ్ రహే రసల్ వైపర, जिसको अजगर समझ रहा था, बार बार उस सांप को छेड़ रहा था, उस सांप एक जगह बैठा हुआ था जो कि मोस्ट वेनमस स्नेक, इसका जो आवाज़ है सीटी है, ये पूरी तरह प्रेशर कुकर की जैसा सीटी है, उसी से आपको समझ जाना चाहिए। मैं बार बार वीडियो बनाता हूँ कि भाई रसल वाइपर और अजगर इंडियन रॉक पाइथन दोनों में डिफरेंसेस ये है, रॉक पाइथन का बॉडी बहुत ऑयली होगा, चिकनाहट होगा, और लेकिन रसल वाइपर बॉडी बहुत राफनेस होगा, और दोनों में लंबाई और इसका सिर, इसका पूरा बॉडी का पूरा पैटर्न ही डिफरेंसेस है। लेकिन जो सांप का बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं, वो अजगर कभी समझ में बैठते हैं, कभी इसको अजगर को रसल वाइपर, कभी रसल वाइपर को अजगर। और जिस जगह में ये रसल वाइपर अभी बिहार में है नहीं, बिहार में पहले था नहीं, जब नेपाल से बाढ़ आया ये बिहार में बहुत जगह घुस गया। हमारे पास जो ये छपरा का है कोई वीडियो है, तो वहाँ पर ये बच्चा जो है कोई सर से उसको बार बार छेड़ रहे थे, छेड़ने का कारण सब अचानक उनका गमछा जो पहना था उसी में पकड़ लिया। सोच लीजिए, अगर गमछा का बजाय दूसरा कहीं काट लेता तो क्या होता फिर, तो फिर इसीलिए जो है ऐसा खिलवाड़ ना करें। और उसके बाद वो किसी तरह उसका जान बचा, लेकिन तब तक भी उसे पता नहीं कि ये रसल वाइपर है कि अजगर है। फिर इस सांप को अभी फिलहाल जो है, आप यूट्यूब में कभी भी सर्च कीजिए रसल वाइपर को, आपको पता चल जाएगा रसल वाइपर क्या है और अजगर क्या है। तो इसलिए बिहार में जो अभी वीडियो देख रहे हैं आप, प्लीज अगर आसपास में कोई आपको अजगर की शक्ल के नजर आ जाए, आपको समझ ना आए, तो तुरंत जो उससे दूर हट जाए दस दूर, क्योंकि वो रसल वाइपर है, भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप। और ये जो करीमगंज का करीमनगर का घटना है, जो हुक्नोस सांप को बार बार वो खूबसूरत आवाज दे के उसको ऐसा बनाया गया कि वो सांप जो है बोल रहा, आवाज निकाल रहा, तो ये पूरी तरह गलत है। और इससे पहले भी बहुत सारा ऐसा व्यक्ति जो है सांप को काटने में, मारने में, और एक चीज हम दिखाना चाह रहे हैं, एक रजिंदर रसल वाइपर का एक व्यक्ति उनका खाल उतर रहा, सोच लीजिए, उसको मार नहीं रहा, उसका गर्दन का पास काट के पूरी खाल को उतर रहा, दो तीन लड़के। ये शायद मुझे लग रहा झारखंड का वीडियो हो सकता है या छत्तीसगढ़ का। दोस्तों ये वीडियो भी देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं। चल नहीं पे खींचे दोस्तों, देख रहे थे रसल वाइपर है जो कि मोस्ट वेनम, इस समय में हो सकता था आपको काट सकता है, आपका साथ कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इसका मरा हुआ, मरने के बाद उसका खाल उतर रहे, तो ये पूरी तरह 1972 एक्ट में बहुत बड़ा जुर्म है। तो आप जितने भी व्यक्ति है प्लीज समझ जाइए, आप समझिए ये वन्य प्राणी है, ये संपत्ति हमारा देश का, इसको मरना नहीं है, ये जहरीला हो सकता है, इससे आपका जान जा सकता है, लेकिन इससे आपको बच के रहना है।
बचना है। ये जंगली जानवर है कोई भी, आपको शेर काट ले या कोई भी हाथी है, इससे जायर मारने का आपका अधिकार नहीं है, लेकिन उससे बचने का आपका बहुत सारा तरीका है, वो तरीका अपनाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।